So, as I said, there has been certain classifications on the basis of different parameters of debentures were there, which we discussed in the last class, right? Those basics would be there, which may be covered in objective questions. Chances are low. Why? Because chapter practical questions. This chapter prior objective type questions. So you need to हामीले डिबेन्चर्स को इशू कसरी गर्ने इशू गर्दाखेरि हामीलाई यदि रिडम्पसन को टर्म्स थाहा छैन त्यो बेलामा नर्मली इशू गर्दा कसरी गर्ने त्यो हामीले पढ्यौ त्यो नर्मली जसरी हामीले सिंगल सर्टमा इन्स्टलमेन्ट सिंगल सर्टमा शेयर इशू गर्दाखेरि जसरी गर्छौ त्यसरी नै गर्छ यसमा पनि एप्लिकेशन मनी मगाउँछौ एप्लिकेशन मनी आइसकेपछि त्यसको अलॉटमेंट को सिलसिलामा जति काम गर्छ त्यही फर्स्ट टू इन्ट्रीबाट सिधिन्छ या इन्स्टलमेन्टमा पनि छ भने इन्स्टलमेन्टको केसमा हामीले वन रिस्पेक्टिभ इन्स्टलमेन्टको इन्ट्री जसरी गर्ने गर्थ्यौँ सेयरको केसमा सेम त्यही तरिकाले डिभेन्चरको केसमा पनि इन्ट्री गर्नु पर्छ है द्याट इज वाट वी डिस्कस सो फार इन स्टडिज क्लास है मैले भनेको थिएँ कि अब हामीले डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा गएर एकचोटि हेर्नु पर्नेछ डिबेन्चर्स को इश्युएन्स गर्दाखेरि नै रिडम्पसन को टर्म्स पनि नून छ भने त्यो नून परिस्थितिमा हामीले एकाउन्टिङ कसरी गर्ने है एट द टाइम अफ इश्युएन्स अफ डिबेन्चर दैट इट इज गोइङ टु बी रिडिम्ड एन्ड रिडिम्ड एट सर्टेन प्राइस रिडिम्ड एट सर्टेन टर्म्स र त्यो टर्म्स थाहा भएर त्यसरी नै रिडिम गर्नुपर्ने देखिएको बेलामा है सो हामीले त्यसलाई कुन तरिकाले कसरी गएर त्यसको एकाउन्टिङ गर्ने भन्ने कुरा हामीले आज डिस्कस गर्नु छ है यसमा चाहिँ कन्जर्भेटिभ प्रिन्सिपल यदि मात्रै माइन्डमा तपाईँले राख्नुभयो भने इट वुड भेरी इजियर फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस मात्रै कन्जर्भेटिभ अप्रोचमा जाने होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि कुराहरू यस्तो हुन्छ थ्योरिटिकल हुन्छ तर थ्योरिटिकल कुराहरू जस्तो लाग्छ तर कन्जर्भेटिभ प्रिन्सिपलको एप्लिकेसन गरिदिनु भयो भने त्यो थ्योरिटिकल कुराहरू पनि आफैबाट तपाईँ आन्सर दिन सक्नुहुन्छ मैले हिजो भनेको थिएँ देयर वुड बी नाइन सच सर्कमस्टान्सेस नौवटा त्यस्तो सर्कमस्टान्सेस हुन्छ जसमा हामीले डिभेन्चर्सहरूको इस्यु गर्दा र त्यसको रिडेम्सनको टर्म्स थाहा भएको बेलामा इस्युको एकाउन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ है ल म स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु एकचोटि डिस्कस स्क्रिन नै गरौँ What I was referring that at the time of so at the time of issuance of debenture terms of redemption is अलरेडी नोन त्यो सिचुएसनमा जहाँ हामीलाई रिडम्सनको टर्म्स थाहा छ कि आउने बेलामा यो तरिकाले यो टर्म्समा रिडिम हुनेवाला छ भन्ने कुरा हामीलाई पहिलादेखि नै थाहा छ त्यो परिस्थिति हामीले कसरी एकाउन्टिङ गर्ने मैले भने त्यसको हामीसँग सिचुएसन्सहरू म्याक्सिमम् नौ तरिकाको हुनसक्छ म्याक्सिमम् त्यसमा पनि एउटा दुईवटा तरिका थियोटिकली सम्भव पनि छैन है मैले यहाँ लेखे इस्युड एट अनि देन
रिडिमेबल एट, रिडिमेबल एट मतलब आज था कि भोलि को दिन में इसको रिडम्सन कसर है याद कर कम्बिनेशन भाग हमें हमीसंग कतिवटा तरीका हो रिडम्सन करने मतलब कति सीचुएसन्स हो प्राइसिंग को पॉइंट अफ व्यू पार में इश्यू भैर हो या प्रीमियम में भैर हो या डिस्काउंट में भैर इसरी नई भोलि को दिन में ये डिवेन्चर रिडीम होना जाना रिडम्सन कुन प्राइस कुन में हो या तो पारमें हो या तो प्रीमियम प्रीमियम में होला या डिस्काउंट अब पार में इश्यू करें पार में रिडीम हो पार में इश्यू करें प्रीमियम में रिडीम हो पार में इश्यू करें डिस्काउंट में रिडीम परिस्थिति तो होना सकता नहीं थियोटिकली भन्दाखेरि सिमिलरली प्रीमियम में इश्यू भएर पार में प्रीमियम में इश्यू भएर पार में प्रीमियम में इश्यू भएर प्रीमियम में प्रीमियम में इश्यू भएर डिस्काउंट सिमिलरली डिस्काउंट में इश्यू करें तर रिडम्सन हम भोलि को दिन में करने हमें पैला देखने था इसी कर टोटल नौवटा कम्बिनेसन बंद हाई अब यह नौवटा कम्बिनेसन में हमी कसरी एकाउंटिंग करने जब पैला देखने था हमीर कि रिडम्सन होने वाला यह तरीका इस एमाउंट में हाई मैं लेख्ते गए यहाँ प्राइस लेखी इशू प्राइस हाई मानो 100 रुपीज में इश्यू करें 100 रुपीजमें रिडिमेशन होने वाला है दिस इज द सिचुएशन अफ पार एट पार राइट 100 रुपीज में इश्यू करें 105 में रिडिम कर 100 रुपीज में इश्यू करें 95 में रिडिम कर पहिलो तीनवटा कम्बिनेसन राइट त्यसरी नै 105 में इश्यू करें और भोलि को दिन में 100 में रिडिम होने वाला है 105 में इश्यू करें 105 में रिडिम होने वाला है या 105 में इश्यू करें 110 में रिडिम होने वाला है प्रीमियम तो प्रीमियम ही तर प्रीमियम बढ़ी रकम दुबई होना सकता नहीं यो केस है यो केस में पहले 105 105 105 105 105 110 यो पनि हुन सक्छ बल्कि म त भन्छु केसेस नै भन्नु छ भने इसको केस ही बनाना है हम लोग तो ये भी बोल सकते हैं 105 में आपने इशू किया और 110 पे रिडीम कर रहे हैं या 105 पे इशू किया और 102 रुपए पे रिडीम कर रहे हैं मतलब प्रीमियम पे रिडीम तो हो रहा है लेकिन पहले जितना किया था उससे कम हो सकता है पार पे ही हो सकता है उससे ज्यादा प्रीमियम पे हो सकता है सेम टू सेम प्रीमियम पे भी हो सकता है राइट सो मैंने प्रीमियम में इशू करे प्रीमियम में रिडीम करने पर मल्टीपल सिचुएसन तब देखा अर्को प्रीमियम में इश्यू करें डिस्काउंट में गए 95 में गए रिडीम कर परिस्थिति होना सकता है सब केसेस अर्को 95 में इश्यू करें 100 में रिडीम कर 95 में इश्यू करें 90 में रिडीम कर 95 में इश्यू करें 95 में रिडीम कर 95 में इश्यू करें 98 में रिडीम कर 95 में इश्यू करें 105 में रिडीम कर इसी डिफरेंट केसेस होना सकता है अब यो सीचुएसन में हमें कसरी एकाउंटिंग कर रिडिमेबल मतलब मैं था कि आने दिन में इसी रिडीम होने वाला है तो केस वन केस टू केस थ्री केस फोर केस फाइव केस सिक्स इसी हमें डिफरेंट केसेस बना 7 8 9 10 11 12 12 भी मैं कैसे स्टाइल से लिख दिया 12 13 सो बाय दिस दीज मेनी केसेस दीज मेनी टाइप्स होना सकला हाई मैं एकदम सिनारी बनाकर तब भाई तस्तो परिस्थिति में तब कसरी एकाउंटिंग गर्नु तपाईलाई थाहा छ तपाईलाई के थाहा छ कि म शेयर इश्यू गर्दा या डिभेन्चर इश्यू गर्दा कसैले यहाँ डिभेन्चर इश्यू गर्दाखेरि म यति रुपियाँमा इश्यू त गरिरहेको छु यो इश्यूडको केसमा यति रुपियाँमा इश्यू त गरिरहेको छु तर मलाई अहिले नै इश्यू गर्ने बेलामै थाहा छ कि यसको भोलिको दिनमा रिडम्सन यति प्राइसमा हुन्छ यस्तो परिस्थितिहरूमा कसरी एकाउन्टिङ गर्नु है ल नर्मली याद गर्नुस् इशू गर्दाखेरि हामीले के अकाउन्टिङ गर्छौं के अकाउन्टिङ गर्छौं पैसा आउँछ बैंक अकाउंट डेबिट इभन एप्लिकेशन को त एउटा
साधन छ मानु अल्टिमेटली हामीले गर्ने एकाउन्टिङ इन्ट्रीमा बैंक टू एप्लिकेशन पछि गएर फेरि एप्लिकेशन टू पर्सेन्टेज डिभेन्चर यो त क्यान्सलै नै हुन्छ अल्टिमेटली रहने भनेको के हो बैंक र डिभेन्चर हो त म अहिले के गरिरहेको छु यो दुवैलाई मर्ज गरेर एकाउन्टिङ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु ताकि तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् कि इन यो परिस्थितिहरूमा एकाउन्टिङ भयो भने कसरी एकाउन्टिङ गरिन्छ सो मानौ 100 रुपियाँमा हामीले इस्यु गऱ्यौँ र भोलिको दिनमा 100 रुपियाँमै रिडिम हुनेवाला छ बैङ्क एकाउन्ट डेबिट 2% डिभेन्चर्स होइन पहिला त इस्यु कतिमा गरिरहेछ त्यसलाई बुझेर तपाईँले एकाउन्टिङ गर्नु बैङ्क एकाउन्ट डेबिट 100 रुपियाँ र डिभेन्चर्सको लाइबिलिटी मैले 100 रुपियाँमा क्रिएट गरेँ यही पोइन्ट अफ टाइममा म अब के हेर्छु के मेरो डिभेन्चर्स फ्युचरमा फेस भ्यालुभन्दा बढीमा रिडिम हुनेवाला छ यदि फेस भ्यालुभन्दा बढीमा रिडिम हुनेवाला छ भने त्यसको लागि आज नै म लाइबिलिटी प्रिज्युम गरिहाल्छु एडिसनल एमाउन्टको लाइबिलिटी प्रिज्युम गरिहाल्छु कन्जर्भेटिभ भएर हामीले हेर्नु छ कि यदि आजको डेटमा मैले मलाई थाहा भएको आधारमा भोलिको दिनमा कुनै मैले एक्सेस एमाउन्टको पेमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा नुन छ भने म आज किन साइलेन्ट बस्छु र म आज नै त्यसको लागि तयारी गरे आफ्नो बुक्समा एउटा लायबिलिटीको प्रोभिजनिङ पहिला नै गरिहाल्छु राइट सो लायबिलिटीको प्रोभिजनिङ गर्नको लागि यो पर्टिकुलर केसमा केही छैन बिकज भोलिको दिनमा मैले एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्छ पारभन्दा बढीमा फेसभन्दा बढीमा पे गर्नुपर्छ भन्ने एमाउन्ट त छैन अर्को केसमा हेर्नुहोस् इन अदर सिचुएसन 100मा तपाईँले इस्यु गर्नुभएको छ पैसा त 100 नै लाइबिलिटीको रूपमा तपाईँले पाउनु भएको छ तर तपाईँलाई थाहा छ भोलिको दिनमा मैले 5 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ त्यो 5 रुपियाँ एक्स्ट्रा जुन मैले पे गर्नुपर्ने छ त्यसको प्रोभिजन अहिले नै क्यारी गरिहाल्नु त्यो एक्स्ट्रा 5 रुपियाँ जुन तिर्नुपर्छ त्यसको प्रोभिजन अहिले नै क्यारी गर्ने प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स भनेर त्यो 5 रुपियाँको लाइबिलिटी मैले अहिले नै क्यारी गरेँ यहाँ थिएन रिडम्सन एक्स्ट्रा एमाउन्टमा तर यहाँ त 5 रुपियाँ एक्स्ट्रा एमाउन्टमा छ र यो 5 रुपियाँको एक्स्ट्रा प्रिमियम जुन भोलिको दिनमा मैले तिर्नुपर्छ त्यसको जब म प्रोभिजन क्यारी गरिरहेको छु यो प्रोभिजन मेरो लागि कहीँ न कहीँ यहाँ लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर्स एकाउन्ट डेबिट 5 रुपियाँ सो पहिला मैले इस्यु जतिमा गरिरहेको छु यो दुवै लाइन हेर्नुहोस् है यो दुवै लाइन यो म यसलाई स्टारले इन्डिकेट गरेँ यो दुवै लाइन इस्युको बेसिसमा मैले तानेर ल्याएँ त्यसपछि मैले अब्जर्भ गरेँ अच्छा रिडिम हुनेवाला छ सो रिडिम हुनेवाला टर्म्सबाट हामीलाई थाहा भयो के रिडम्सन म फेस भ्यालुभन्दा बढी एमाउन्ट तिरेर गर्नुपर्छ छ भने त्यसको लागि मैले अहिले नै प्रोभिजन बनाएर छोडिदिएँ र कन्जर्भेटिभ प्रिन्सिपलले पनि त्यही भनेको छ कि छैन यदि तपाईँलाई थाहा छ कुनै फ्युचरमा हुनेवाला लस छ कुनै फ्युचरमा हुने पर्ला एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने तपाईँ आज नै त्यसको लागि प्रोभिजन गरेर बस्नुहुन्छ भनेको थियो कि थिएन भन्नुहोस् तपाईँले पनि कन्जर्भेटिभ प्रिन्सिपल पढ्दाखेरि यसरी पढ्नु भएको छ हो दीपिका कन्जर्भेटिभ प्रिन्सिपलले त्यही भन्छ नि त्यही गरिरहेको छु मैले लसको एकाउन्टिङ पहिला नै त्यो प्रोभिजन क्यारी गरेँ भोलिको दिनमा मैले अब भन्नु भोलिको दिनमा जब दिनु पर्ला 5 रुपियाँको प्रोभिजन पहिलादेखि नै छ होइन अब 105 रुपियाँ पेमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ र यो 5 रुपियाँ मैले के गरेँ लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर्स एकाउन्टमा रिकगनाइज गरिहालेँ ताकि मैले यो लसलाई आउने दिनमा आफ्नो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा प्रोपोर्सनेटली जति पिरियडको डिभेन्चर्स छ त्यति पिरियडमा गरेर राइट अफ गर्छ कसरी गर्ने हामीले अर्को बेलामा डिस्कस गर्नेछ कोही पुछ रहा था कोही श्यामले सत्य सोधिरहेको थियो अहिले त्यो लस लस अन इस्यु होइन अहिले त्यसलाई त्यो अहिले नै लस आउने होइन कन्जर्भेटिभ भएर हो अनि त्यो तल त्यो प्रिमियम अन रिडेम्पसन भन्नाले सर प्रोभिजन हो प्रोभिजन प्रोभिजन कैसे करते हो प्रोभिजन फोर
बैड डेट का एंट्री कैसे करते हो, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं लिखते हो, वैसे तो ये पीएल का ही रिप्लेसमेंट है, लॉस अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट, लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, आप लिख सकते हो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वैसे वर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखने का मतलब भी वही हुआ, इट्स प्रोविजन ओनली। यो पारमा इश्यू भएको छैन सर, अनि प्रीमियम आ रिटर्न रिडेम हुन्छ हैन, रिडेम्पशन हुन्छ हुने वाला छ, यस 5 रुपैयाँ बढी अमाउन्ट मा यो रिडेम हुने वाला छ, अनि एउटा अझै पास हुन्छ नि त एन्ट्री भइहाल्यो नि, अब के पास हुन्छ एन्ट्री, 105 डेबिट 105 क्रेडिट नै हो गया, अरे भाई 105 डेबिट और 105 क्रेडिट नहीं हो गया, अब क्या एंट्री पास करोगे, हो गया सर ठीक है। अब ये सिचुएशन में आते हैं, 100 रुपए में हमने रिडीम इशू किया, चलो पहले मैंने 100 रुपए का एंट्री कर दिया, 100 रुपए डेबिट 100 रुपए क्रेडिट, ये पार्ट तो मैंने कर दिया। अब उसके बाद पता चल रहा है ये कल के डेट में 95 में रिडीम होगा, है ना, थ्योरेटिकली होगा नहीं, मतलब प्रैक्टिकली ये कल के डेट में होगा या नहीं होगा अपनी जगह पे, लेकिन मान के चलो अगर 100 रुपए में मैंने इशू किया है और मुझे अभी पता है कि कल के डेट में ये 95 रुपया में रिडीम होने वाला, तो वो रिडम्पशन से तो हमको 5 रुपए का फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, जब फायदा होने वाला हो तो जब तक फायदा ना हो उससे पहले उसको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि फायदा होने तक का इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, इसीलिए उस तरह के फायदा को हम लोग इग्नोर करेंगे। एक्स्ट्रा जाने वाला है तो उसके लिए प्रोविजन करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जाने वाला चीज है ना, यहाँ तो नहीं जाने वाला फायदा होने वाला चीज है, तो बीइंग कंजर्वेटिव इवन इफ वी नो दैट रिडेम्पशन इज गोइंग टू बी एट लेस देन पार वैल्यू और देर वुड बी डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, यू नो एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस इटसेल्फ दैट ऑन रिडम्पशन देयर इज गोइंग टू बी सम सेविंग, बट वी शुड नॉट बी रिकॉग्नाइजिंग दोज सेविंग अप फ्रंट, वी शुड बी फॉलोइंग क्लियर कट कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट ला यो केस में भन्नुस् त तपाईहरु नै, अब 105 मा म इशू गरिरहेको छु, इशू नै 105 मैले के भने त पहिला इशू को हिसाबले तपाई काम गर्नुस्, इशू 105 मा हुँदाखेरि बैंक अकाउंट डेबिट 105 टू शेयर कैपिटल टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये पढ़ा थे हामीले सर, बोलो भाई यही पढ़ा था कि नहीं, यस सर, तो टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले इशू करते समय का एंट्री हमने किया कि हमने इशू किया है जी 105 रुपए में इशू किया है, हेंस मेरे पास इस वाले केस में 105 रुपया डेबिट 100 रुपया डिबेंचर से अकाउंट 5 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद हम देखेंगे क्या मेरा रिडम्पशन फेस से ज्यादा में होने वाला है, अगर फेस से ज्यादा में होने वाला है तब प्रोविजनली हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, डिस्काउंट है कुछ नहीं करेंगे। यहाँ वाला केस कैसा है, फ्यूचर में क्या हमको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं करेंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, इसका फेस वैल्यू तो सही है ना सर, आईबी नंबर का रिडेम्पशन स्वयं में होगा लेकिन इशू 105 में हुआ है, राइट, जो इशू हमने 105 में किया है 105 रुपए का, पहले इशू का एंट्री करते समय 5 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, चला गया, उसी समय हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में क्या मुझको लॉस होने वाला है तो उसका प्रोविजन करना है, नहीं होने वाला तो उसका प्रोविजन नहीं करना, गेन होने वाला तो उसके लिए भी इंतजार करना है, क्लियर, यस सर। अब ये वाला सिचुएशन बताओ, 105 में इशू होगा 105 में भी रिडीम होगा, उस परिस्थिति में क्या करेंगे, पहले 105 में इशू कर रहे हैं तो 105 का इशू करने का एंट्री आप पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट 105 रुपए 100 रुपए कैपिटल डिबेंचर अकाउंट में और 5 रुपए प्रीमियम में, अब उसके बाद देखेंगे क्या रिडम्पशन मेरा 100 से ज्यादा में होने वाला है, yes, sir. तो उस केस में इस लॉस का एंट्री तुम रिकॉग्नाइज करोगे अलग से,
अब कुछ लोग तो बोलेगा सर 105 में इशू कर रहा है, 105 में ही रिडीम करने वाला है, तो कहने के उसको लॉस थोड़ी ना होने वाला है, बोलने के लिए तो बोल सकता है ना। बोलो भाई, लेकिन याद रखो 105 में इशू करते समय जो एक अमाउंट मैंने प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया, अब ये नहीं सोचूंगा कि इसी प्रीमियम से मैं कल के डेट में इस एक्स्ट्रा को पेमेंट करूंगा, वो कल के डेट में क्या होगा अपने जगह पे है, लेकिन अभी इश्यूएंस के हिसाब से आपने ये दोनों अकाउंटिंग किया है, ये और ये, और ये वाला चीज जो है कल के डेट में किस अमाउंट पे रिडीम होगा उसके बेसिस पे हमने प्रोविजन किया है। तो हमेशा रिडम्पशन के केस में टर्म को देखेंगे और उस टर्म के आधार पे अगर फेस से ज्यादा अमाउंट में पेएबल दिखता है तो हम उसको उसी समय एक एक्स्ट्रा प्रोविजन कर देंगे। ये नहीं सोचना है कि भाई पार इशू में भी प्रीमियम में हुआ था तो इस वाले अमाउंट को कंपेयर करके अगर लॉस दिखा तभी हम लॉस का प्रोविजन करेंगे, वो सब कुछ नहीं सोचना है। सीधा देखना है रिडम्पशन यदि पार से ज्यादा में होने वाला है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए हमको प्रोविजन कैरी करना है। इशू जितने में करते हैं उस इशू का एग्जैक्ट एंट्री तो हम करते ही है, उसके साथ साथ एडिशनल प्रोविजन का एंट्री हम लोगों को करना है अगर वही जहां पे प्रीमियम में रिडम होने वाला है, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे रिडीम होने वाला उस एक्स्ट्रा अमाउंट का पार वैल्यू संग मात्र कंपेयर कर रहे सर। राइट राइट ल त्यसो भाई यो केस नम्बर 6 भन्नुस् तपाईहरु के गर्नु हुन्छ 105 100 5 5 10 रुपया ठीक है जी। यस सर ठीक है। 7 नंबर केस बनुस्ता सर बैंक अकाउंट डेबिट 105 हजुर, अनि त्यसपछि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2 रुपए हजुर, टू दिस 2% डिबेंचर अकाउंट 100 हजुर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5 अनि टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 2। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो जी ये बताओ इस केस में क्या करोगे? 105 में इशू किया है बैंक अकाउंट 105 डेबिट, उसके बाद बोलो बोलो बैंक अकाउंट में 105 ₹100 और सिक्योरिटी प्रीमियम तो कर दिए, अब यहाँ डिस्काउंट होने वाला फ्यूचर में, इस डिस्काउंट को अभी रिकॉग्नाइज करना है के गर्ने? वेट गर्ने लाई? यस सर वेट गर्ने, वेट गर्ने। देखिरहनु भएको छ नि यो सानो भए पनि? यस सर। यस सर अलि ठुलो गर्दिन ये एक्सेल भएको भए हाइट गर्दिन्थे तर एनीवे ल बताओ यहाँ पे 95 में आपने इशू किया हुआ, सबसे पहले जो 95 में इशू करेंगे उसको एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 95 बैंक अकाउंट डेबिट 95 अनि डिस्काउंट लॉस अनि इशू ऑफ शेयर एज टू डिबेंचर। अब यदि मैले छुट्याएर देखाउन चाहन्छु भने डिस्काउंट अन इशू ऑफ डिबेंचर पनि यही लेख्नुहुन्छ, डिस्काउंट अन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हुन, यो दुवै अकाउन्ट एउटै राख्न सक्छौ, यो र यो दुवै अकाउन्ट एउटै राख्न सक्छौ, तर राम्ररी थाहा होस् हामीलाई एक्ज्याक्टली के गरिरहेछौ, त्यो हिसाबले डिस्काउन्ट अन इस्युलाई सेपरेट गर्नुस्, रिडिमेबल को बेलामा हुने लॉसले छुट्टै गर्नुस्। के गर्नुहुन्छ भन्नुस्? 5 रुपैयाँ डिस्काउन्ट अन इस्यु डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचरमा 100 रुपैस 100 रुपैस, उसके बाद अब देखेंगे पार से ज्यादा में रिडीम होने वाला है कि पार में रिडीम होने वाला है, पार में तो कुछ करना होगा नहीं? no. होगा। अब बताओ ये वाला केस बताओ 95 से 90 में, तो 95 5 और 100 तो कर दिया, अब 90 में रिडीम होने वाला है कल के डेट में, तो कुछ करना चाहिए अभी, इंतजार करना चाहिए, कुछ करना चाहिए? ए लॉस आउंस गर्नुपर्छ, लॉस आउंस
नहीं नहीं लॉस आउट है ना ए प्रॉफिट तो होता है लॉस आउट है ना है ला और को सिचुएशन 95 95 का सिचुएशन है क्या करना होगा 95 नीचे डिस्काउंट कुछ नहीं करना है इशू का इंटरसेप्ट करना है रिडेम्पशन अगर कल के डेट में फेस से कम में होने वाला है तो वो तो गेन गेन का सिचुएशन है ना उस गेन की सिचुएशन में कुछ नहीं करना आराम करके बैठना है जब होगा देखा जाएगा बताओ 95 में मैंने इशू किया है और 98 में जाके रिडीम करने वाला हूँ कुछ नहीं एंट्री 98 का करना होगा ला लास्ट वन सब यो 95 में इशू करे भोले को दिन में 105 में रिडीम होने वाला छ तो के एंट्री गर्नु हुन्छ 95 5 तो गर्नु हुन्छ तर यहाँ ₹5 एक्स्ट्रा तपाईले दिनु पर्ने छ तो त्यो ₹5 को तपाई प्रोभिजन गर्नु क्लियर है बताओ समझ में आया सबको कि नहीं yes, इतने डिफरेंट केसेस बना देते हैं क्वेश्चन में अब बोलता वही नौ कॉम्बिनेशन जो नाइन कॉम्बिनेशन वाले बनी रहती है नहीं यही कि उन सकते किताब में नाइन इलस्ट्रेशन दिन सकते तर तपाईले मात्र के ध्यान दिनु पर्यो म बारम्बार भनि रहा छु नाइन इलस्ट्रेशन जति सुकै भए पनि रिडेम्पशन यदि रिडीमेबल एट प्रीमियम will only trigger the case to make provision while issuing ठीक है यदि मात्र ध्यान में रखना है हेर्नुस् न तपाईले जहाँ जहाँ प्रिमियम मा रिडीम भइराथ्यो यहाँ भइराथ्यो हेर्नुस् यहाँ तपाईले गर्नुभयो यहाँ भइराथ्यो यहाँ पनि तपाईले गर्नुभयो यहाँ भइराथ्यो यहाँ पनि गर्नुभयो यहाँ भइराथ्यो यहाँ पनि गर्नुभयो हम उल्टा लेख दिए सिक्युरिटी प्रिमियम में 5 लिखना चाहिए यहाँ 5 होना चाहिए यहाँ 10 है ना ये वाला है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला बीच में मैंने लिखा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे लिखा देखो उसके बाद यहाँ पे भी कुछ नहीं किया यहाँ पे भी कुछ नहीं किया यहाँ पे नहीं किया सिर्फ यहाँ पे जाके जहां जहां प्रीमियम हो रहा था जहां डिस्काउंट में जा रहा था फेस से कम में जा रहा था वहां पे हम लोग चिंता नहीं कर रहे आराम से बैठे थे कंजर्वेटिव अब कुछ आदमी बोलता है ना सर आप 95 में इशू कर रहे हो कल के रेट में 98 में रिडीम करोगे नेट नेट में तो आपका ₹3 ही एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना हमने फिर भी कंजर्वेटिव होके ₹5 का लॉस बुक किया है पहले से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज आल्सो अ नॉमिनल अकाउंट व्हिच इज इन द नेचर ऑफ लॉस अकाउंट हमको पता है कि भाई 95 में इशू करके कल के डेट में 98 वापस करूंगा तो ₹3 का नुकसान होगा लेकिन फिर भी 95 को हम ₹100 के लायबिलिटी के हिसाब से कंपेयर करके ₹5 का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इशू किए तो वी आर मोर कंजर्वेटिव टुवर्ड्स इट Clear? So we'll be getting these cases in our books where we'll be passing a respective accounting entry. ये जो केस हमने डिबेंचर के लिए किया वो हर रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट के लिए कर सकते हैं इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन तो होता नहीं है वो तो लॉन्ग टर्म परपेचुअल नेचर का इंस्ट्रूमेंट है लेकिन प्रिफरेंस शेयर हो सकता है तो अगर प्रिफरेंस शेयर की भी बात करोगे जो इस चैप्टर में तो नहीं है कैप टू में मतलब सी ए इंटर में जाके पढ़ेंगे आप लोग सो उस केस में भी जहां प्रिफरेंस शेयर का भी ऐसा ही डिफरेंट सिचुएशंस आएगा इशू एट एक्स रिडीमेबल एट एक्स प्लस वाई उस केस में सेम कॉन्सेप्ट जो आज आपने डिस्कस किया वही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना
illustrations haru herum aba tespachi hamilai ajhi clarity huncha. So what I'll be doing, I'll be book kholna dinu malai to note. ल इलस्ट्रेशन नंबर टू हेर्नुस् हामीले पढेकै आधारमा हेर्नुस् दस एक करोड इक्विटी इक्विटी डिभेन्चर सौ रुपियाँ वाला छ नाइन्टी रुपिजमा हामीले इस्यु गरिरहेको छ दस रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएर लेखेको छ इस्युड वन करोड 8% डिभेन्चर अफ हन्ड्रेड इच एट अ डिस्काउन्ट अफ 10% रिडिमेबल एट पार एट द इन्ड अफ टेन्थ इयर मनी वाज पेबल एज फलोज 30 अन एप्लिकेसन 60 अन लट अब सोच्नुस् यो रिपेएबल केमा छ पारमा छ हामीले भर्खरै के पढ्यौं मात्रै रिपेएबल यदि प्रिमियममा हुनेवाला छ त्यो परिस्थितिमा हामीले प्रिमियम एडिसनल जुन रिपे हुनेवाला छ त्यसको लागि प्रोभिजन आज नै गरिदिनु पर्छ अरू केसेसहरूमा त सिर्फ इस्यु गर्ने बेलाको हिसाबले हामीले एकाउन्टिङ गर्नु छ राइट त्यसको एकाउन्टिङ के गर्नुहुन्छ नर्मल अब दुईटा इन्स्टलमेन्ट भएको हुनाले पहिला एप्लिकेसन मगाउने फेरि एलटमेन्ट गर्ने अब डिस्काउन्ट एप्लिकेसनको बेलामा रेकर्ड गर्ने कि एलटमेन्टको बेलामा क्वेसनले त भनिरहेको छैन याद गर्नुहोस् हामीले च्याप्टरमा के डिस्कस गरेको थियौँ यदि एप्लिकेसनको बेला प्रिमियम या डिस्काउन्टको कुरा यदि कुन मोमेन्टमा छ भन्ने कुरा कुन इन्स्टलमेन्टसँग छ भन्ने कुरा भने हुँदैन भने हामी के मान्छौँ द्याट विल बी एट द टाइम अफ अलटमेन्ट के मान्छौँ पेज नम्बर भाइ के भन्नु कुनै पर्टिकुलर इन्स्ट्रुमेन्ट सेयर या डिभेन्चर या कुनै यस्ता इन्स्ट्रुमेन्ट इन्स्टलमेन्टमा मगाइरहेछ र हामीले इन्स्टलमेन्टमा मगाए पनि हामीले सँगसँगै यो पनि भनिरहेछौँ कि म प्रिमियम लिन्छु या डिस्काउन्ट दिन्छु तर डिस्काउन्टको एडजस्टमेन्ट कुन बेलामा गर्ने भन्ने कुरा क्वेसनमा यदि साइलेन्ट छ भने त्यो बेलामा हामी मान्छौँ कि यो एप्लिकेसन एलटमेन्टको बेलामा गर्ने याद गर्नुहोस् त्यो हुन त क्वेसनले भन्ला जसरी यही सय रुपियाँको डिभेन्चर हो तिस रुपियाँ एप्लिकेसनमा लिइरहेको छ सिक्सटी रुपियाँ एलटमेन्टमा लिइरहेको छ दस रुपियाँको मतलब दस रुपियाँको डिस्काउन्ट यो मेमेन्टमा दिइरहेको छ कि यो मेमेन्टमा दिइरहेको छ भने त छैन क्वेसन भनेको भए यदि यहाँ भनेको भए तिस त्यसमा मतलब चालिस रुपियाँ थियो त्यसमा दस रुपियाँ डिस्काउन्ट गरेर तिस गरे भनेको यसको मतलब डिस्काउन्ट यहाँ एप्लाई हुन्थ्यो या यसको ठाउँमा यस्तो भन्न सक्छ सत्तरी रुपियाँ थियो दस रुपियाँ डिस्काउन्ट गरेर सिक्सटी रुपिज मागिरहेछ यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो त्यो बेलामा हामीले रिलेट गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यो केसमा चाहिँ साइलेन्ट भएको हुनाले हामीले मान्छौँ कि एलटमेन्टको बेलामा छ राइट त इन्ट्री के गर्ने पहिला त एप्लिकेसन आउँछ बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट राइट एक करोड़ सो 30 करोड़ राइट इसलिए चाहे 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अब 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टु 8% डिभेन्चर्स 30 करोड है अब एलटमेन्ट गर्ने बेलामा नर्मली यही हो एलटमेन्टको टाइम तर यही बेलामा हामी डिमान्ड पनि ड्यू पनि गर्छौँ ड्यू गर्दाखेरि 8% डिभेन्चर एलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट यही डिस्काउन्ट दिइरहनु भएको छ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु 8% डिभेन्चर्स एकाउन्ट 60 करोड 10 करोड 70 करोड र पैसा पाउने बेलामा यसको पैसा पाउने इन्ट्री गरिदिनु ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु 8% डिभेन्चर
लॉट 20 को दैट इज 64 क्लियर है यस सर ला अर्को इलस्ट्रेशन हेरौं त्यसो त क्विकली सबै इलस्ट्रेशन फटाफट गर्न सक्नुहुन्छ यसले मात्रै इन्स्टान्सेसहरु बनाइराछ हामीले सबै इन्स्टान्सेस डिस्कस गरिहाल्यो कुछ देखना नहीं सीधा आगे बढ़ना है बताओ कोइन कोइनाल केमिकल्स इशूड एक 15,10% डिवेंचर्स ऑफ 50 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% इसमें आज है वो 55 रुपया में इशू करी रहा था टेबल 20 एन एप्लीकेशन बैलेंस एंड अलॉटमेंट डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर मात्र रिडीमेबल के मा भइराछ त्यस भित्र यदि कुनै कुरा लेखेको छ कि यो 6 ईयर पछि प्रीमियम मा रिडीम हुने वाला छ भन्ने कुरा भन्यो भने मात्रै मात्रै हामीलाई त्यसको एक्स्ट्रा प्रोभिजन आज क्यारी गर्नुपर्छ र त्यो कुन बेलामा गर्ने सिंगल सर्टमा पेमेन्ट आइराछ भने त समस्या भएन त्यही बेलामा गर्दिनु भयो अर्को केसमा चाहिँ हामीले अलॉटमेंट को एंट्री गर्ने बेलामा त्यो प्रोभिजन बिकज अलॉटमेंट इज द मोमेन्ट वेयर यु एस्टाब्लिश अ रिलेशनशिप विथ बिटवीन विथ डिबेंचर होल्डर्स एंड योर्स एंड दैट मोमेंट फॉर यू इज टू क्रिएट अ प्रोविजन है All the money due on allotment was called and received. Last summer, सभी पैसा मांगियो सकाई सके. Hey, entry करना सके easily. Bank account debit to debenture application account. दस परसेंट डिवेंचर सर नाम में लिख दिन 2-10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 15,00,000 छ र 20 रुपया सो 15,00,000 इंटू 20 कति हुन आउँछ 3 करोड़ तीन करोड़ है त्यसपछि 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यहाँ पनि प्रीमियम कुन बेलामा लिन्छ भन्ने कुरा त लेखेको थिएन हामीले के मान्यो त्यो प्रीमियम को एन्ट्री उले डिभेन्चर्स को अलॉटमेंट गर्ने एन्ट्री को साथसाथै गर्छ है अब एन्ट्री गर्नुस् 10% डिभेन्चर अलॉटमेंट अकाउन्ट सर क्वेशनले भनेछ कि एप्लिकेशनमा प्रीमियम जोड्ने भनेछ क्वेशनमा लास्ट लाइन द नेसेसरी एंट्री व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी ओके तो लास्ट मा हामीले लास्टै पढेको थियो नि यस्तै मिस्टेकहरु तपाईहरुले पनि गर्नुहुन्छ जुन मैले यहाँ जानी गरिरा छु है किनभने क्वेशन मैले यही सम्म पढेर रोकिहाले थिए हेर्नु भने सीधा मैले अघि बढेका थिए जब यहाँ लेखा छ नेसेसरी एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन मनी 20 रुपैयामै 5 रुपैया इंक्लूडेड छ इसका मतलब यहीं पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 5 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री यहीं पे करना पड़ेगा राइट है कि नहीं बोलो हाँ जो सर तो कति अमाउंट होना हो सबनुस 2,25,00,000 एउटा 75,00,000 र यहाँ 75 दैट वाज जस्ट वन ऑफ द कहते ना थ्री इडियट्स में नहीं बोलता है कि चलो इसको डेमो देते हैं गलती होने का डेमो मैंने तुम लोगों को दिखाया कि हम लोग पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं और आप एक आप में से किसी एक ने पढ़ा उसने पकड़ लिया नेसर उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन के समय ही आएगा फिर सो यही ध्यान में रखने वाला तो इसको मतलब अब मैं बाकी कति रुपया पाऊंसू 30 रुपया कति रुपया पाउँछु 35 रुपया पाउँछु अलॉटमेन्टको बेलामा बोलो न भाई 15,00,000 डिभेन्चर है 20 रुपये मिल गया उसमें वो 15+5 के हिसाब से था और बाकी अब फर्स्ट अलॉटमेंट के समय कितना पैसा मिलेगा 35 रुपये मिलेगा ना हाँ 35 ओ तो 35 रुपये माग्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 35 × 15
5 crore 25 lakh Yes, sir. To 10% debentures account. 5 crore 25 lakh Right? This pachi paisa receive garnuhuncha bhane cha call garera receive pani bhako cha 5 crore 25 lakh ठीक छ है सर हां सर त्यो 10% डिबेन्चर अकाउन्ट जुन सेकेन्डमा लेख्नु भयो नि सर 2 crore 25 lakh त्यो बुझाइदिनु न सर त्यो आई मीन त्यो अमाउन्ट कसरी आयो सर ए भाई 20 रुपैया का जो एप्लिकेशन मंगी मानाउ आए ना उसमें 5 रुपैया प्रीमियम का भी शामिल है तो बचा 15 रुपैया इसका मतलब हां सर सर कसरी बुझ्ने त्यो 5 रुपैया हो सर 10 रुपैया हो अरे यार टोटल 50 रुपैया फेस भ्यालु छ नि त्यसबाट क्याल्कुलेट गर न गजब बात है कोन कोन ऐसा क्वेशन पुछा कोन कोन पुछा भाई 50 पर गर न त आइहाल्छ क्या लेखे 50 रुपैया का डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% तो परसेंटेज हमेशा भी किसका है फेस वैल्यू का ही होता है ना तो 50 रुपैया का डिबेंचर में उसका 10% प्रीमियम है इसका मतलब 55 पे इशू किया होगा 50 का 10% कितना होता है 5 रुपया नहीं होता है प्रीमियम कितना लिया होगा 5 रुपया लिया होगा ये 5 रुपया इसी 20 में शामिल है लिखा था ना यहाँ इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन अब क्लियर हुआ सर यो क्वेश्चन में रिडीमेबल एट प्रीमियम भनेको भए त्यो एंट्री पनि एप्लीकेशन में पास हुन्थ्यो फेरि भन्नुस् त अलि जोडले सर यो क्वेश्चन मा यदि रिडीमेबल एट प्रीमियम भनेको भए त्यो एंट्री पनि एप्लीकेशन में पास हुन्थ्यो हो यस त्यही त हामीले अहिले अहिले 9-10 वटा केस केमा गरे त्यही त गरे यदि रिडीमेबल एट प्रीमियम भनेको भए पनि त्यो एक्स्ट्रा जुन प्रीमियम म भोलिको दिनमा तिर्नु पर्ने छ त्यसको लागि आजै कन्जर्भेटिभ भएर प्रोभिजनको एन्ट्री गर्दिन्छ सर यो एप्लिकेशनमा गर्ने कि अलॉटमेन्टमा गर्ने त्यो अलॉटमेन्टको नर्मली अलॉटमेन्टको बेलामा एन्ट्री वुड बी द अलॉटमेन्ट इज द पॉइंट वेयर देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोरोअर एन्ड लेंडर गेट्स एस्टैब्लिश्ड त्यो बेलामा सर भनेपछि प्रिमियमको एन्ट्री चाहिँ एप्लिकेशनमा गर्ने अनि त्यो रिडेम्पसन पछिको फ्युचरको रिडेम्पसनको चाहिँ अलॉटमेन्टमा गर्ने हो 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 त्यो फ्युचरको प्रोभिजन वाला पोर्सन जहिले पनि अलॉटमेन्टको बेलामा गर्ने यदि इन्स्टलमेन्टको केसेसहरु छ भने क्लियर यस सर ल सर अलॉटमेन्टमा हामी 35 मात्रै हालेको छ सर यो अनि 15 रुपैयाँ उता एप्लिकेशनमा हुन्छ रिडिमेबल एट पार छ नि त्यसैले केही प्रोभिजन एक्स्ट्रा गर्नु परेन नै आए समझमे आ गया सर आ गया हो गया सर इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ो बोर्डर इंटरप्राइजेज इशूड 4,12% डिबेंचर ऑफ 100 पेएबल एज फॉलोस 30 and 70 100 को से 100 की कुड़ा करे डिबेंचर्स वेर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एज पर टर्म्स ऑफ द इशू डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 110 पर डिबेंचर रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग इशूएंस ऑफ डिबेंचर मतलब ये क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा 10 रुपया लॉस है ना सर 10 रुपया लॉस अनि यता तल पनि 10 रुपया हुन्छ त्यो कुन बेलामा गर्ने अलॉटमेन्ट को बेलामा गर्ने नर्मली अलॉटमेन्ट मा तर क्वेश्चन जे भन्छ त्यो हैन हे भगवान दुईटा पार्ट भयो के एउटा त इश्युएन्सको बेलामा यदि तपाईँ एक्स्ट्रा पैसा लिइरहनु भएको छ भने त्यो भनेको सिक्युरिटी प्रिमियम एकाउन्टमा ट्रान्सफरेबल एमाउन्ट हो त्यो क्वेसनले कुन पोइन्टमा भइरहेछ त्यो क्वेसनले भन्छ भनेको छैन भने त्यो अलॉटमेन्टको बेलामा भइरहेछ भनेर मान्नुपर्छ राइट यहाँ इस्यु भनेको पारमै भइरहेछ इस्यु प्रिमियममा भइरहेछ नि त्यसैले मैले भड्करी भनेको कुरा यहाँ एप्लिकेबल हुने भएन अर्को पार्ट छ रिडिमेबल कुनमा हुने वाला छ रिडिमेबल यदि प्रिमियममा हुने वाला छ भने त्यो प्रिमियमको लागि मैले प्रोभिजन गर्छु र त्यो प्रोभिजनको एन्ट्री जहिले पनि अलॉटमेन्टको बेलामा गर्छु यदि इन्स्टलमेन्टहरुको कुरा भइराछ क्लियर क्लियर सर यस सर यस सर यसको एन्ट्री के गर्नु छ मुजवानी बताओ बिना स्क्रिन देखे हुए सोचो एप्लिकेशन का पैसा आया
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन टू डिवेंचर एप्लीकेशन 4 लाख डिवेंचर के हिसाब से 1,20,00,000 राइट फिर उसको तुम कन्वर्ट करोगे लाभ डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% नेक्स्ट टाइम अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे उसी समय पहले तो अलॉटमेंट का ड्यू करो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 70 के हिसाब से 70 × 40 2,80,00,000 रुपए 12% डिवेंचर 2,80,00,000 लेकिन जो फ्यूचर में मैं 10 रुपया एक्स्ट्रा पे करने वाला हूँ उसका लॉस का भी प्रोविजनिंग मुझे अभी करना पड़ा तो लॉस 40,00,000 रुपए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 40,00,000 रुपए पैसे कितने मिलेंगे हमको जितना पैसा अलॉटमेंट अकाउंट में मांगा वो उतना मिलेगा देखो यहाँ पे आपने 2,80,00,000 मांगा है 2,80,00,000 मिलेगा लेकिन आपने एक्स्ट्रा ये दो चीज कर दिया आपने एक्स्ट्रा ये दो चीज कर दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 40 डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 40 क्लियर सर दीपिका यस सर इज देयर एनीवन हु हैज स्टिल डाउट प्लीज लेट मी नो बिकॉज़ आई शोड यू अराउंड 11-12 सच सिचुएशंस जति पनि कन्फ्युजन हुने सिचुएशंस मैले बार-बार रिपीट गरेर भने यसले कन्फ्युजन नहुनु परोस है ल यो हेर्नुस एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150,09% डिवेंचर्स 1,50,09% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 इयर्स पेएबल एप्लीकेशन में 50 अलॉटमेंट में 44 अब यहां तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट जो 100 को 6% को 6 रुपीस अब यहां भने को छैन यो 6 रुपीस को डिस्काउंट कुन बेला में दिने 50 रुपया को बेला में दिने कि अलॉटमेंट को बेला में दिने याद गर्नुस् मैले के भनेको थिए क्वेशन ले इंस्टॉलमेंट में कुन बेला में प्रीमियम या डिस्काउंट अप्लाई करने भन्ने कुरा लेखेको हुँदैन भने हामी अलॉटमेंट को बेला में गर्छ यस सर यो हिसाबले हेर्नुस् इसको मतलब 50 रुपया को एप्लीकेशन थियो अर्को 50 रुपया को अलॉटमेंट थियो तर त्यसै बेला में 6 रुपया डिस्काउंट पनि पा राइट तर रिडेम्पशन कहिले हुने वाला छ 5% प्रीमियम में हुने वाला छ मतलब 100 रुपया में 5 रुपया थपेर मैले भोलिको दिन रिटर्न गर्नु पर्ने छ सो यो 5 रुपया को एक्स्ट्रा जुन प्रीमियम पे गर्छु त्यो एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट भयो हुने वाला छ त्यो पनि मैले अलॉटमेन्ट को एन्ट्री गर्ने बेलामा रेकर्ड गर्नु पर्यो हो यस सर लॉस भयो ल सो पहिलो एन्ट्री त एप्लिकेशन आयो तपाईं निर So bank account debit to debenture application 9% debenture sir. So 9% debenture application account 1.5 crore ra kati rupya ko 1.5 crore kati rupya ko 50 rupya ko dar kati una 75 crore yes sir 75 crore 75 पैसा ड्यू करने समय 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर है 50 है ये भी 75 करोड़ लेकिन 9 करोड़ पे हमने इसमें ये ऐसा है ना 44 रुपये है ये 44 रुपये ये 6 रुपये ये 50 रुपये है कि नहीं हो गया ना ओ सर ओ 66 राइट तर यही पॉइंट अफ टाइम में मलाई थाहा छ कि भोलि को दिन में मैले 10 रुपया कति रुपया बढी दिनु पड़ेछ रिडेम्पशन कति में होने वाला छ 5 रुपया बढी में होने वाला छ सो म त्यसको प्रोभिजन अहिले नै गर्छु प्रीमियम
स्क्रीन शेयर भएको छैन सर क्या मजाक कर रहा है यार हो रहा है यार हो रहा है पिन नहीं किए हो रहा है डिबेंचर ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट मा त्यो 5 रुपैया 1.5 करोड को 5 को हिसाबले कति हुने भो 7.5 करोड है 7.5 करोड त्यसको मैले प्रोभिजन गर्दिए र त्यसलाई मैले लॉस ऑन इशू अफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7.5 करोड क्लियर छ है कतिपय केसमा तपाई हेर्नुहुन्छ यो दुबैलाई यो दुबै खातालाई यो र यो दुबै खातालाई एउटै मर्ज गरेर एकै ठाउँमा लेखिदिएको हुन्छ एउटै अकाउन्टमा लॉस बिकज दुबै नोमिनल नेचरको अकाउन्ट हो हेर्ने हो भने दुबै एउटै एउटै क्याटेगरीको अकाउन्ट हो कि हैन अब एलाई मैले डेफर गर्छु भोलिको दिनमा राइट अफ गर्छु कसरी गर्छु हामीले आउने क्लासमा डिस्कस पनि गर्ने छौ र अहिलेको लागि हामीले कन्सेप्टलाई म्याच्युर्ड हुन बेलासम्म ये बुझौं कि पहिला इश्युएन्सको मैले एन्ट्री गरे जसमा यो व्हाइट कलरको जति पनि छ यो इशूसँग सम्बन्धित इन्ट्री थियो यो र यो त्यसपछि मैले हेरे के मेरो रिडम्पसन भोलिको दिनमा एक्सेस देन मोर देन फेस भ्यालुमा हुनेवाला छ यस हुनेवाला छ त्यसको मैले प्रोभिजन गरेँ सिधा सिधा उसको दो टुक्रेमै भी कर सकते हो इसी चीज को पहले नॉर्मल इशू का एंट्री कर लो और उसके बाद देखो क्या कल के डेट में हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उसके लिए अलग से एंट्री कर दो ये वाला लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्लियर क्लियर है जी सर ये शेयर को केस में चाहिँ डिस्काउंट ऑन इशू चाहिँ एसेट हुन्छ यसमा चाहिँ लॉस भयो नि त दुबै एसेट साइड मा छ यार प्रवीण बोथ आर इन एसेट साइड ओनली बैलेंस शीट में दुबई कुड़ा लाई डिस्काउंट ऑन या लॉस यही डेबिटेड बैलेंस है यही राख सो मैं तर इस बार बिस्तारे बिस्तारे एवरी ईयर पीएल अकाउंट में राइट अप होते जान से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होस् डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर होस् लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर होते हैं बिकॉज त्यहाँ रिडम्पशन को क्लोज नहीं होते इक्विटी शेयर को केस में प्रिफरेंस शेयर छोड़ फिर हो यसको पनि यस्तो सिचुएसन आउन सक्ला नि कि भोलिको दिनमा म प्रिमियममा रिडिम गर्छु भन्ने कुरा आज नै थाहा छ त त्यो खाताहरू एज गुड एज दुबै एउटै नेचरको खाता हो यसलाई मैले फिक्टिसियस एसेट्स बनाएर ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछु र यो फिक्टिसियस एसेट्स भोलिको दिनमा राइट अफ हुन जान्छ आउने दिनमा जति इयरको लागि त्यो डिभेन्चर छ हरेक इयरमा थोर थोरै गरेर हामीले राइट अफ गर्दै जान्छ कसरी गर्ने त हामीले अर्को बेलामा च्याप्टरमा पढ्नेछौँ राइट अब आएर पैसा मागिहाल्नुहोस् बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट 66 करोड़ क्लियर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इलस्ट्रेशन फटाफट पढ़ो तो आप लोग प्लीज रीड नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ठीक है जी आगे बढ़ू मैं दोनों एक ही अकाउंट में डाल दिया लॉस भी और डिस्काउंट दोनों को एक जगह मर्ज कर दिया बोल रहा था आप लोगों को यहाँ भी देखो पूरे पैसे एक साथ मांगा जा रहा है तो उस केस में भी क्या होगा वो अलॉटमेंट वाला कहानी नहीं होगा उसी समय सीधा चला जाएगा सब कुछ राइट चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ो प्लीज टेल मी इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कोई डाउट सर नो सर
इन्क्लुडिङ क्याश ट्रान्जेक्सन भनेको छ त्यो ब्याङ्कहरूको ट्रान्जेक्सनलाई भनेको छ त्यसले मनी रिसिभ गर्ने बेलाको मतलब नर्मली ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सनलाई क्यासबुकको थ्रु गरिन्छ जर्नल इन्ट्रीमा अदर देन क्यासको ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्छौँ तर क्वेसनमै यदि जर्नल इन्ट्री बनाऊ भन्यो भने कसैले क्यासबुक ब्याङ्कको इन्ट्रीहरू क्यासबुकमा हुने भएकोलाई एक्जामिनेसनमा छोड नदियोस् भनेर उसले भन्छ कि तपाईँ मान्नुहोस् कि क्यासबुकको ठाउँमा क्यासको इन्ट्रीलाई पनि जर्नल इन्ट्रीको थ्रु गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि रेकर्ड गरेर गर्नुहोस् ए समझमा आयो यस सर सर कौन सी बात है एक बार और बोलिए था एक बार और बोलूं कौन सी बात मैं ये बोल रहा हूं कि नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग डिवेंच कैश बुक जब भी कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरली वो रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं या तो सब्सिडियरी बुक्स में करते हैं या जर्नल एंट्री के फॉर्म में करते हैं जर्नल प्रॉपर के थ्रू राइट सो यहाँ पे उसने बोला कि तुम जर्नल एंट्री बनाओ और जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला तो लोग ये ना समझ ले कि जर्नल एंट्री सिर्फ हमको बनाना है जो कैश बुक में जाने वाला बैंक का ट्रांजेक्शन उसको नहीं बनाना है नहीं रिकॉर्ड करना है ये गलती ना कर दे या ये मिस्टेक ना ये मिस ना कर दे इस वजह से क्वेश्चन ने बोल दिया कि तुम जो कैश बुक में जाने वाला है उसको भी तुम जर्नल एंट्री के थ्रू ही अभी बना के दिखाओ इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ कंपनी ठीक है जी आगे बढ़े इलस्ट्रेशन नंबर 7 1,12% डिवेंचर ऑफ 1,000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेएबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 31 मई एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 1,20,000 डिवेंचर्स डिवेंचर कितना अलॉट होगा फिर 1,00,000 ही मांगा गया तो 1,00,000 ही अलॉट होगा बाकी क्या करेंगे 20,000 को वापस कर देंगे है ना उसी दिन नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोल रहा है कर लेंगे ना ये सर माथि बोल्ड मा लेखेको बक्स छुट बुझाइदिन न हजुर माथि जुन बोल्ड मा लेखेको छ नि इलस्ट्रेशन 7 को माथि त्यो चाहिँ यो एक छुट बुझाइदिन न इन फ्याक्ट डिस्काउन्ट एन्ड इशू ल त्यो पछि हामी एउटा कन्सेप्ट पढ्छौ त्यस बेलामा बताउँला अहिले बाँकी छ हामीले त्यो डिस्काउन्टलाई कसरी के गर्ने भन्ने कुरा बाँकी छ है अहिले आउँछ ठ्याक्कै हामी त्यो कन्सेप्ट पढ्ने बेलामा यसलाई रिकलेक्ट गरौँ ठिक छ यो रेजिस्ट्रेसन 7 ठिक है भाइ सबको पैसे इतने आए इतने वापस कर दिए बाकी पैसे को कैपिटलाइज कर दिए तुम लायबिलिटी मिले गए क्लियर और इन 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 एंट्री के बेसिस पे अगर लेजर अकाउंट बनाना है तो लेजर अकाउंट नहीं बना लेंगे कसले डाउट से यो इलस्ट्रेशन मैले सोध्नु है यो एकदम बेसिक छ त्यसैले मैले इग्नोर गरिरहेछु अगाडि बढिरहेछु नहीं बोला आप लोगों ने आगे बढ़ू मैं ओके अब एक 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 बेसिक क्या हो सकता है नॉर्मली जब कभी हम लोग डिवेंचर्स इशू करते हैं तो एक तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए कैश चाहिए उस हिसाब से या हमने कोई एसेट्स वगैरह परचेज किया अदर देन कैश कंसिडरेशन का सिचुएशन था उसके अगेंस्ट हम लोगों ने रीपेमेंट करना था तो टू इंश्योर दैट रीपेमेंट मेट ऑन टाइम हम लोगों ने डिवेंचर इशू कर दिया राइट ये एक होता ही है उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं जैसे बैंक से लोन लेना या कोई सामान खरीदना और उन लोगों को एश्योरेंस के रूप में डिवेंचर दे देते हैं एक्चुअल डिवेंचर नहीं है हम उसको बोलते हैं कि तुमको हम पैसा देंगे वापस करेंगे बट एक गारंटी के रूप में एक कोलैटरल के रूप में हम तुमको अपना डिवेंचर भी इशू कर देते हैं बस फॉर द टाइम बीइंग है कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बैंक से लोन लिया आपने उसको मल्टीपल टाइप का कोलैटरल दिया एक तो आपका जो फिक्स्ड जो आपके पास लैंड बिल्डिंग था वो भी मोर्गेज कर दिया वो भी कोलैटरल के रूप में आपने दे दिया और साथ के साथ अपने कंपनी का डिवेंचर्स भी दे दिया उसको एज अ सिक्योरिटी नॉट एज अ कमिटेड लायबिलिटी कि मैं कल के डेट में इसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करूंगा इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा ये सोच के नहीं क्योंकि वो तो उन लोगों के लिए जिससे हमने कैश लिया हुआ है
उन लोगों के लिए ना वो एक डिवेंचर एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो गया जिसमें हमने उससे पैसे लिए, उस पैसे के अगेंस्ट हमको उसको ब्याज सर्व करना पड़ेगा और एक पीरियड के बाद हमको वापस करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवेंचर जस्ट पेपर वर्क कोलैटरल के पॉइंट पे दिया है कि कल के डेट में अगर मैं ये डिवेंचर के आपसे जो मैंने लोन लिया है आपसे मैंने आपको मुझे जो पैसा पे करना है वो पैसे अगर मैं नहीं दे पाता हूँ कल के डेट में तो उस समय में मैं आपको क्या करूंगा ये डिवेंचर को ही कन्वर्ट कर दूंगा एक्चुअल में, फिर आप डिवेंचर के अगेंस्ट हमसे आप पैसा रिकवर करना शुरू कर लीजिएगा। वो क्यों ऐसे करता है? बिकॉज डिवेंचर का जो ट्रस्टी होता है ना, नॉर्मली डिवेंचर के केस में जितने भी डिवेंचर्स इशू करता है उस डिवेंचर्स के मैनेज करने के लिए कंपनी एक ट्रस्टी भी बनाती है, अपॉइंट करती है। वो ट्रस्टी इतना स्ट्रांगली बिहेव करता है कि किसी डिवेंचर का हक अधिकार के लिए कुछ भी हुआ तो वो लड़ता है। प्लस जितने भी डिवेंचर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस सिक्योर्ड नेचर के होते हैं, तो वो सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं बल्कि कंपनी के ज्यादातर एसेट्स के ऊपर फर्स्ट चार्ज के रूप में सिक्योरिटी के रूप में बैठा होता है। तो उस तरह के सिचुएशंस में कभी ना कभी अगर कहीं पैसा नहीं आया तो हम अपने एटलीस्ट क्लेम को डिवेंचर्स के रूप में कन्वर्ट कर लो, इसके वजह से सिक्योरिटी लेते हैं, राइट। तो उन सिक्योरिटी वाले सिचुएशन में हम लोग को कैसे अकाउंटिंग करना है, इसमें तो कोई फाइनेंशियल कैश तो आया नहीं ना, तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मैंने इशू कर दिया। पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ो तो पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है। Collateral security means secondary or supporting security for a loan which can be realized by the lender in the event of original loan not being repaid on the due date. Under this agreement, the borrower agrees that a particular asset or a group of assets will be realized and the proceeds therefrom will be applied to repay the loan in the event the amount due cannot be made. Sometimes company issue their own debentures as collateral security for a loan or a fluctuating overdraft. When the loan is repaid on the due date, these debentures are once realized with the main security. In case the company cannot repay its loan and interest thereon, the lender becomes the debenture holder which can exercise all the rights of a debenture holder. Clear? क्या लिखा है यहाँ पे? The debenture holders, a holder of such debentures is entitled to interest only. हजुर या लेंडर संग कुनै सर्टिफिकेट हुँदैन तर त्यो सबै राइट डिभेन्चर जस्तै उसँग हुन्छ। सर्टिफिकेट हुन्छ, त्यो कोलैटरल दिएको छु भने कहिले कि उसको नाममा इशू गरेर दिएको छु मैले, तर त्यो भनेको मैले उससँग यस्तो भयो कि एउटा त मैले लोन लिए, लोनलाई पनि लायबिलिटीको रूपमा कन्सिडर गरे, अर्को डिभेन्चर दिए त्यसलाई फेरि लायबिलिटीको रूपमा कन्सिडर गर्ने, एउटै चिजको लागि दुईवटा लायबिलिटी त कन्सिडर गर्न मिलेन नि। डिभेन्चर इज लायबिलिटी फर अस, बुक्समा पनि डिभेन्चरलाई बार बार क्रेडिट गरिनु भएको छ, लायबिलिटी प्रिज्युम गरिनु भएको थियो। लोन लिँदाखेरि मैले त्यसलाई लायबिलिटीको रूपमा कन्सिडर गरेँ, ब्याङ्क एकाउन्ट टु लोन एकाउन्ट गरिदिए, अब त्यसपछि त्यसको सेक्युरिटीको लागि मैले आफ्नै डिभेन्चर दिएँ भने फेरि मैले टु डिभेन्चर एकाउन्ट गर्नु भनेको, त एउटै चिजको लागि डबल डबल लायबिलिटी रिकर्ड गरेर भइहाल्यो नि। जस्ट पेपर वर्क गरियो कोलेटरलको रूपमा, तर त्यसलाई एडिसनल लायबिलिटीको रूपमा होइन, तर पेपर वर्क गरेको हुनाले हामीले सेक्युरिटीको रूपमा दिएको छौँ भने कहीँ न कहीँ ती सेक्युरिटीको एगेन्स्ट मैले इन्ट्रेस्ट पनि इस्यु गर्नुपर्ने। एउटा यस्तो गरौँ न, एउटा इलस्ट्रेसन हेरौँ। हेर्नुहोस्, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्स अ लोन फ्रम आइडिबिआई 1 crore रुपियाँको, गिविङ एज कोलेटरल सेक्युरिटी अफ 1.5 crore 10-10 रुपियाँ वाला फर्स्ट मोर्गेज डिभेन्चर। लेख्यो नि, उसले 1 crore लोन लियो, उसलाई के गरिदियो, लोन लिँदाखेरि त लोनको एकाउन्टिङ उसले गरे नै होला, ब्याङ्क एकाउन्ट टु लोन एकाउन्ट लेखेकै होला होइन, तर त्यसलाई सेक्युरिटीको रूपमा उसले एक्स्ट्रा एउटा अझै डिभेन्चर दिइहाल्यो, त्यो के फेरि डिभेन्चरले लायबिलिटीको रूपमा कन्सिडर गर्ने, त डबल लायबिलिटी हुँदैन त्यस केसमा। पहिलो मेथडले के भन्यो, कुनै इन्ट्री नपास गर्नुहोस् तपाईँ, सेक्युरिटीको रूपमा दिनुभएको छ त्यसले सेक्युरिटीको रूपमा कन्सिडर गर्नुहोस्, कुनै इन्ट्री नपास गर्नुहोस्, तर नोट लेख्ने बेलामा याद गर्नुहोस्, मैले अस्ति फर्मेट तपाईँलाई कम्पनी एक्टमा देखाइरहेको थिएँ, कति बढी फर्म सेड्युल्सहरूमा डिस्क्लोजरको कुराहरू गरेको थियो, त्यहाँ यो पनि लेखिएको छ, कुनै लोन कुनै यस्तो पेएबल तपाईँको बुक्समा छ भने त्यससँग सम्बन्धित कुनै स्पेसिफिक टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ भने त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन पनि तपाईँले उल्लेख गरिदिनुपर्छ। That also you need to mention over there. So, त्यो पार्ट चाहिँ एटलिस्ट तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्यौँ, नोटमा लेखिदिउँ कि मैले लोन लिएको छु 1 crore, र ब्राकेटमा के लेखिदिउँ,
it is secured by collateral of 14% first mortgage debentures of 1,50,000,000. मात्रै नोट को रूपमा डिस्क्लोज गर्दिनु सर, यो कन्सेप्ट बुझ्दिनँ अनि सर, यो कन्सेप्ट जति अझै भन्दिनँ क्लियरै भएन. अब तपाईँले आइडिबिआई ब्याङ्कबाट लोन लिनुभयो 1,00,000 रुपियाँ, राइट? के एन्ट्री पास गर्नुहुन्छ लोन लिँदाखेरि? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु लोन फ्रम आइडिबिआई 1,00,000. अब इस लोन लिया, लोन के लिए मेरे पास जो एसेट था उसको मैंने कोलैटरल में डाल दिया. बिल्डिंग था मेरे पास, बिल्डिंग को कोलैटरल में डालते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? सिर्फ जब जाके पालपोत ऑफिस में आके रोका करवा देते हो ये कागज में कि मैंने आपको ये कोलैटरल में सिक्योरिटी के रूप में दिया. सिक्योरिटी के रूप में जब हम देते हैं तो उसका कोई अकाउंटिंग एंट्री करते हैं? ये बिल्डिंग बैंक का हो जाता है या बिल्डिंग मेरा ही रहता है? मेरा ही रहता है सर. उसका कोई अकाउंटिंग एंट्री करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं. और हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन या लोन फ्रॉम आईडीबीआई करके लिखते हैं 1,00,000 रुपया, और नोट में इसी के करस्पेंडिंग नोट जब बनाते हैं नोट में लिख देते हैं सिक्योर्ड बाई कोलैटरल ऑफ कंपनी बिल्डिंग, ऐसे लिखते हैं. आखिर सबको पता चल जाएगा कि ये लोन सिक्योर्ड किस चीज से है. लोन सिक्योर्ड किस चीज से है? कंपनी के बिल्डिंग से. इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं. अब मैंने बिल्डिंग नहीं दिया, मेरे पास और एसेट नहीं था. मैंने क्या बोला इस बिल्डिंग के जगह पे, तुम ऐसा करो मेरे से मेरे कंपनी का ही डिवेंचर ले लो, वो भी एज सिक्योरिटी लो. डिवेंचर में तुमसे पैसा लेके तुमको नहीं दे रहा हूँ. नॉर्मली डिवेंचर हम कब किसी और को देते हैं? कंपनी डिवेंचर कब इशू करती है? एक तरफ से पैसा लेती है, दूसरी तरफ से डिवेंचर्स देती है. उस डिवेंचर्स के अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट सर्व करती है, और बाद में जाके फिर उससे डिवेंचर सर्टिफिकेट वापस लेके उसको बैंक से पैसे वापस कर देती है. यही काम होता है ना नॉर्मली. यहाँ पे पैसे उसे नहीं लिया जा रहा, जस्ट सिक्योरिटी के रूप में मैंने डिवेंचर्स उसको इशू कर दिया. ये भी तो ऐसा ही हो गया ना कि बिल्डिंग जैसे मैंने उसको कोलैटरल दे दिया, ऐसे मैंने अपना डिवेंचर्स को कोलैटरल दे दिया. तो क्या कह रहा है पहला मेथड, इसका भी आपको अकाउंटिंग एंट्री मत पास करो, बल्कि यहाँ पे डिस्क्लोजर में लिखते हो सिक्योर्ड बाय कोलैटरल ऑफ कंपनी इतना परसेंट डिवेंचर्स ऑफ रुपीज दिस मंथ, ऐसे डिवेंचर डालो. इससे क्या होगा, कल के डेट में अगर मैं ये इसका लोन का पेमेंट नहीं करूंगा तो ये कन्वर्ट कर लेगा और ये लोन डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अभी तो नहीं है ना, अभी तो हम लोग पेमेंट करेंगे, बस गारंटी के रूप में हम कोलैटरल सिक्योरिटी दिए है ना. वही पहला मेथड कह रहा है कि कोई एंट्री पास नहीं करना है, करने की जरूरत नहीं है, बस आप डिस्क्लोज कर दो. यहाँ पे इस तरीके से डिस्क्लोजर में डाल दो. अब बुझो, अब बुझो भाई. श्याम समझ में आया अब? हाँ सर. ओके. दूसरा मेथड क्या कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, अब इसका आप अकाउंटिंग एंट्री पास कर दो. और अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करो? पैसे तो आए नहीं, पैसे आए होते तो हम लोग मानते पैसे आया हुआ है, पैसे तो नहीं आए ना. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री पास करते समय एक नाम लेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, और नरेशन में पूरा लिखेंगे कि ये एंट्री हम किस वजह से किए हैं. डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर से, वही 1,50,000,000 का आपने इशू कर दिया तो आप ये 1,50,000,000 का एंट्री पास कर दो. लोन का एंट्री तो हुआ ही था, बट जब मैंने सिक्योरिटी इशू किया तो पहला मेथड ने बोला था कि कुछ मत करो, सिर्फ डिस्क्लोजर में तो तुम लिखते ही, उसी से काम तुम्हारा हो जाएगा. दूसरा मेथड कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, आप क्या करो एंट्री पास कर दो, और फिर डिस्क्लोजर में जहां लिखना है आप लिखो ना डिस्क्लोजर में यही चीज. एंट्री पास कर दोगे तो आपके बुक्स में रिकॉर्डेड रहेगा ये, राइट? और उस चीज को आप कैसे दिखाओगे, बैलेंस शीट में आप देखा जाए तो मेरा ये भी फिक्टिशियस नेचर का ही डेबिट है. जैसे लॉस और कर रहे तो वैसे ये भी क्या है, फिक्टिशियस नेचर का ही डेबिट अकाउंट है. इसमें ना कोई हमको कुछ किसी से लेना है ना कुछ देना है, मैंने एक ऐसे ही सस्पेंस अकाउंट करके क्रिएट करके रखा हुआ है. तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे,
उस केस में एक तरफ यहाँ लायबिलिटी लिखेंगे एक 1.5 करोड़ का, दूसरी तरफ डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में 1.5 करोड़ लिखेंगे। तो मेरा बैलेंस शीट तो मैच करेगा ही, बट ये दोनों अकाउंट जस्ट एक कोलैटरल के रूप में इशू किया गया डिवेंचर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया। सर एक बार थोड़ा सा और कह दीजिए ना, वो लाइन चला गया। क्यों है कि जब कंपनी ले कंपनी इश्यूज इट्स ओन डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इस्तो केस में मेथड 1 लेके बनियो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड मेक एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट का नोट बनेगा उसमें आप डिस्क्लोजर डाल दो, हो गया, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मेथड कहता है कि नहीं आप एंट्री पास करो, तो उसमें क्या करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 2% डिवेंचर। नॉर्मली पैसा मिलता है तो हम लोग बैंक अकाउंट को डिवेंचर करते हैं, यहाँ पे पैसा नहीं, ये सिर्फ कोलैटरल के लिए गया। तो एक तरफ मेरा एसेट वाला अकाउंट बना लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट्स है, याद करो फिक्टिशियस एसेट्स है, नाम मात्र का एसेट है। तो दूसरी तरफ मैंने लागू किया, तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो क्या होगा, इस तरह के एंट्री के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा तो ये वाला चीज एसेट साइड में दिखेगा और ये वाला चीज लायबिलिटी साइड में दिखेगा। बट हमको पता रहेगा कि ये चीज जो है ना जस्ट नाम के लिए हम लोग कोलैटरल के अगेंस्ट जो किए उसके लिए हम लोग बनाए। इंटरेस्ट लोन में पाउँछ या तो लोन को इंटरेस्ट ले उस या इसको डिवेंचर को इंटरेस्ट ले उस। सर यो एंट्री में हमने डिवेंचर लाइक क्रेडिट से किन गरेको, किनभने मैले इशू गरिसकेको छु, इशू गरिसकेको नाले डिवेंचर लाइक क्रेडिट गर्दिए, तर त्यो अगेंस्ट मैले कहीं ना कहीं एउटा फिक्टिशियस एसेट्स पनि रिकग्नाइज गरे। तो हेर्ने हो भने यो दुबै एकअर्काले नलिफाइड भइहाल्छ नि। कतिपयले के गर्छ यतातिर सेक्युर्ड लोन्स को नोट बनाउँछ, सेक्युर्ड लोन्स को नोट में यहाँ लेखिदिन्छ पर्सेंटेज डिवेंचर लेस डिवेंचर सस्पेंस, नेट नेट में माइनस करें नेट अमाउंट देखाई रहा, तो यह बैलेंस शीट में कई आऊँ यही नेट भाई, तर डिस्क्लोजर में जान कें जान बिकज मैं ये एंट्री पास कर देखे कारण एकाउंट तो खुली हाल ये अकाउंट भी खुली हाल ये अकाउंट भी खुली हाल खुली सके कहीं ना कहीं तो लग्न पो ट्रैवलेंस को थ्रू बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लगने बेला में डिवेंचर्स यहाँ लेखे, यहाँ डिवेंचर सस्पेंस लेखे और इसको नोट में हमें यहाँ वर्ड में लेख दौ कि दिस डिवेंचर्स वेर इशूड एज कोलैटरल अगेंस्ट द लोन टेकन फ्रम आईडीबीआई। अब आईडीबीआई को लोन को अमाउंट यहाँ छँदैछ, सँगसँगै मैले डिवेंचर पनि लेखे 1.5 करोड़, यहाँ माइनस करते डिवेंचर सस्पेंस 1.5 करोड़, इसको इम्पैक्ट ले मेरो कहीं ना कहीं लायबिलिटी चाहिँ परेन, तर सिंस यो दुबै अकाउंटिंग एंट्री मैले गरेको हुनाले खाता खुलेको हुनाले यसलाई मैले डिस्क्लोज चाहिँ गरे। ठीक छ दीपिका, सर हेलो देखो मैं आपको बताऊं, नॉर्मली हम लोग मेथड 1 ही फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग वगैरह नहीं करते। देखो स्टूडेंट्स शुड नोट दैट मेथड 1 इज मच मोर लॉजिकल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देयरफॉर इट इज एडवाइज टू फॉलो मेथड नंबर 1। तो लिख के बने को थियो अकाउंटिंग एंट्री मत करो, डिस्क्लोज करके छोड़ दो, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो यस सर, अब थोड़ा ब्रेक के बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अब लोग भी फटाफट कुछ नाश्ता वास्ता कर लो, 15 मिनट के बाद मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर, आज खत्म कर लेंगे हम लोग ये चैप्टर।